ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। ये खबर देवरिया से है, जहां सलेमपुर तहसील परिसर में काकोरी ट्रेन एक्शन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ है। वहीं कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी सलेमपुर दिशा श्रीवास्तव, तहसीलदार अलका सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद तिवारी तथा जयनाथ कुशवाहा मौजूद रहे। बता दें 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही नंबर 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था, ताकि ब्रिटिश सरकार से खजाने में सेंध लगाई जा सके और देश को आजादी दिलाई जा सके। इस महान काम को हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसको देश हमेशा याद रखेगा। के दिन आज हमारे तहसील में काकोरी ट्रेन एक्शन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ, जो 9 अगस्त 1924 से 9 अगस्त 1925 तक चलेगी, उसके उपलक्ष्य में हम लोग अपने प्रांगण में इस इंसिडेंट को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए, लोगों में सजगता पैदा करते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन करें, उसी उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम करवाया। इसमें हमारी तहसीलदार महोदया, हमारे नायब तहसीलदार, खंड शिक्षा अधिकारी के साथ में जो हमारे मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके समस्त साथीगण यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने सबको इस काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में सजग और अवेयर किया। हम इस कार्यक्रम में हमारे कुछ स्कूली बच्चों ने, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय के स्कूल के बच्चे थे, और स्काउट गाइड के बच्चों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति भी दी, जो कि बहुत सराहनीय है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में जागरूक करना है, जिसने हमारे आजादी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युवाओं को आजादी के मूवमेंट के साथ जोड़ने का बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसी उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम है। हम आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंसिडेंट के बारे में जानें, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य है, और अपनी आजादी के इंपॉर्टेंट कोर वैल्यूज को अपने अंदर इम्बाइब करने का प्रयास करें। 9 अगस्त के दिन